What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 4 अगस्त 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:36 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का पहला ही दिन और इस महीने का पहला ही दिन हमने देखा 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में। तो एक निफ्टी टूवर्ड्स अपसाइड यानी नॉर्थ साइड एक मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन बार बार एक करेक्शन दिखा के फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की उम्मीद है ये देखेंगे। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। हालांकि इस वीक में एक बड़ा इवेंट है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आज से उनकी मीटिंग शुरू होगी और थर्सडे यानी वीकली एक्सपायरी का जब दिन है तभी इसका आउटकम बाहर आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है ये। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये कल का पिक्चर है यानी 3 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,015। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स हमारा ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल था इसके बीच में ओपन हुआ और एग्जैक्ट टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करने लगा। और ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 10,994 ये अचीव हुआ। कुछ देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था। ये लेवल भी ब्रेक होने के बाद सेकेंड टारगेट 10,966 ये यहाँ पर अचीव हुआ। और इस लेवल के पास ऑलमोस्ट इसने 1.5 आवर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था और यहाँ से कमजोरी और भी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिली। जो फ्राइडे को हमने देखा था वहाँ पर हरे निशान में मार्केट बंद हुए थे। नासडैक फिर से 157 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, रिकॉर्ड क्लोज हुआ है। और यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी पहली बार एक वीक के बाद एक तेज़ी यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। एशियाई बाज़ार भी देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 33 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और लगभग सभी एशियाई बाज़ार इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखे तो हल्की सी बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में अगर अभी ये अपसाइड मूव जो आप देख रहे हैं ये अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वेव पैटर्न क्रिएट हो रहा है, स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा है और ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ ये बढ़ रहा है। तो अभी जो ये स्विंग हाई बना था इसके बाद ये फिर से एक स्विंग लो यहाँ पर बना सकता है। अभी ये एग्जैक्ट 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। इसके नीचे आप देख सकते ये 61.8% का लेवल, कल ऑलमोस्ट इसने ये भी अचीव कर लिया था 10,860 के पास ये लेवल आ रहा है। तो हो सकता है लास्ट 4 दिन से जैसे लोअर हाईज लोअर लो बना के ये कैंडल्स फॉर्म हो रही है तो एक यहाँ से बाउंस बैक एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर 20 EMA का ये जो ब्रेक मिला है टूवर्ड साउथ की तरफ, इस लो को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर ये सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ये यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव हो सकता है। ये अभी एग्जैक्ट जो पास्ट का ये अभी स्विंग हाई बना है जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था वो लेवल अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से एक बार जर्नी देखनी है तो ये स्विंग हाई इसे इम्पॉर्टेंट होगा, इसको ब्रेक करें तभी हम कह सकते हैं कि ये अपसाइड जर्नी कंटिन्यू है। क्योंकि अपसाइड जर्नी ऐसे हायर हाई हायर लोज बना के चलती है, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई को ये ब्रेक नहीं करता कंफर्टेबली तब तक हमें यहाँ से कंटिन्यू पैटर्न का ये कंफर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक भी आता है तो इसे स्विंग हाई को ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं ये कंटिन्यू अपसाइड जर्नी है। अदरवाइज यहाँ ऊपर आके यहाँ पर जो कंसोलिडेशन फेस दिखाया था यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे भी आ सकता है। तो ये प्राइस पैटर्न के ऊपर है कैसे यहाँ से प्राइस एक्शन मूव होता है। अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल के पास है, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। तो ये था डेली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
अर्ली चार्ट में आरएसआई को देखें तो अभी ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। ये देखिए 32.320 ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि बाउंस बैक हो सकता है यहाँ से। तो आरएसआई इस समय ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 0 और 30 के बीच में आए तो यहाँ पर बाय पोजीशन का ले लेनी चाहिए। जब तक हमें अपसाइड ट्रेंड का, जब तक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक यहाँ पर एंट्री लेना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, कल का ये जो लो था आप देख सकते हैं 10,879 के पास, पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस लेवल के पास आता है और इसको ब्रेक करता है 10,879 को, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,851, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 10,829 का है। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा ये पिवट पॉइंट का, ये जो लेवल है 10,943, ये हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। आप देख सकते हैं ये पास्ट में इसने इस लेवल पे सपोर्ट टेस्ट किया था, ये नीचे नहीं जा रहा था इस लेवल के पास, कंसोलिडेशन फेस था एक आर्ली चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल के पास हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करे, अगर इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,975, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,000 राउंड फिगर कर देते 10,999 के जस्ट ऊपर, यानी 11,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।